आपको आपका टेलीविजन होता है ना, उसके अंदर आपका जो पिक्चर ट्यूब होती है उसके पीछे एक, अब तो खैर नए वाले LCDs के अंदर ये नहीं होते, लेकिन CRTs जो होते थे उसके अंदर पीछे एक हाई वोल्टेज कनेक्शन होता है। अगर आप पिक्चर ट्यूब को पीछे से देखें ना तो उसके साइड के ऊपर एक कनेक्शन लगता है। यहाँ पे तो तकरीबन कलर टेलीविजन के अंदर 25 kV के अराउंड 25 kV वोल्टेज अप्लाई की जाती है, विच इज़ अ प्रीटी हाई वोल्टेज। अगर आप इंटरेस्टिंगली उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, अगर आप उसको ऐसे हाथ से उतारें ना ऑफ करके, मैंने अपने खुद तजर्बा किया हुआ, तो आपके उसके दरमियान इतनी दूर से स्पार्क होता है, ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज जिसके ऊपर वो चार्ज हो रहा होता है। तो उस वो जो वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है सर्किट, वो एक फ्लाई बैक कन्वर्टर सर्किट होता है। वो एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, बिल्कुल यही चीज़ होती है, ठीक है। इसकी जो जिस तरह वो ड्रॉ करते हैं ना हम कागज़ पे, वो स्लाइटली बदल जाता है। मैं आपको यहाँ पे उसकी तस्वीर बना दूँ, मगर चीज़ एग्जैक्टली यही होती है। उसको हम बनाते हैं इस तरह, तस्वीर जो उसकी बनाती है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज है V/S, अब यहां से आगे डायोड्स आप किस तरह लगाते हैं उसकी बेसिस पे, आप अगर फर्स्ट आप डायोड इस तरह लगाते हैं तो आपका डॉट इधर चला जाता है, अगर आप डायोड इस तरह लगाते हैं तो आपका डॉट यहां आ जाता है, ठीक है। योर कैपेसिटर एंड योर लोड, दिस इज योर फ्लाई बैक कन्वर्टर। ये एग्जैक्टली यही चीज है, सिर्फ इसमें हमने इस ट्रांजिस्टर को उठा के नीचे मूव कर दिया। जब आप इस ट्रांजिस्टर को इनपुट की पॉजिटिव बस से हटा के नेगेटिव बस पे जोड़ देते हैं, तो इसका फायदा क्या होता है कि आप एन चैनल MOSFET हो या IGBT हो या NPN ट्रांजिस्टर हो, उसको ड्राइव करना आसान होता है। इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करना मुश्किल है, बिकॉज ये ऊपर जुड़ा हुआ हाई वोल्टेज पे। इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करना आसान है बिकॉज अब ये इसके रेफरेंस से ड्राइव हो रहा है। कौन सा वाला? इसको नीचे लेके आने वाला। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये लगा हुआ है, इसका एमिटर यहां पर है, आपने जो वोल्टेज अप्लाई करनी होती है ना, इन दो के दरमियान आपने गेट वोल्टेज अप्लाई करनी होती है, ऐसे है ना। जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं तब तो आपके लिए आसान है, आप यहाँ पे सिग्नल जनरेटर जोड़ दो, आपने यहाँ पे FET लगा दिया, MOSFET लगा दिया, आपने यहाँ सिग्नल जनरेटर लगा दिया। लेकिन अब आप जरा सोचिए कि अगर ये वोल्टेज 300 वोल्ट या 600 वोल्ट होते तब आप क्या करते, फिर मुश्किल हो जाती है ना इतनी हाई वोल्टेज के ऊपर चीजों को चलाना। तो वी विल टॉक अबाउट कि इंशाल्लाह कि गेट ड्राइव सर्किट्स कैसे काम करते हैं, लेकिन वो अब जब मजबूरी होती है तो हम ये करते हैं, देर आर वेज ऑफ डूइंग इट, बट इट इज डिफिकल्ट टू डू इट। अगर यही चीज इस तरह कनेक्टेड हो तो अब मुझे यहां तो 500 वोल्ट हैं या 600 या 6000 वोल्ट हैं, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज मैंने जिस वोल्टेज को कंट्रोल करना है वो तो यहीं पर बैठी है, मैंने 15 वोल्ट अप्लाई करने हैं और 0 वोल्ट अप्लाई करने हैं, और मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है कि कलेक्टर के ऊपर क्या वोल्टेज हो रही है। कलेक्टर का वोल्टेज इन अ ट्रांजिस्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स, जिनको मुझे परेशानी, जिनके ऊपर मुझे एक्चुअली सिग्नल अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट कि आप ड्राइव सेक्रेटरी के लिए की आसानी के लिए इस तरह कर लें, ओके। एनी क्वेश्चन? अच्छा, एज वी आर गोइंग अलॉन्ग, एक मिनट के लिए मैं इसको डिलीट करने लगा हूं और मैं ये जो सर्किट साइड पे बना हुआ है इसी को ही थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अब इसको देखिए, अगर फेस किया आपने ये सर्किट जोड़ा था और आपने गलती से ये डायोड उल्टा लगा दिया था, ऐसे लगा दिया था और डॉट्स आपने ऐसे रखे थे, क्या होगा? लेट्स थिंक अबाउट। जी, डिस्चार्ज नहीं हो सकेगा। कौन नहीं डिस्चार्ज हो सकेगा? जो जो इंडक्टर है वो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है इसको रास्ता नहीं मिलेगा, सही है। क्यों नहीं मिलेगा जरा गौर से देखते हैं, क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा कि आपका ये ब्लू वाला
आपने पहले वोल्टेज अप्लाई किया ना, जब इसको आपने ऑन किया था तो वोल्टेज प्लस माइनस अप्लाई हुआ था। इधर चूंकि डॉट्स ऐसे लगे हैं तो इधर भी इसी तरह प्लस माइनस अप्लाई होगा। जब ये प्लस माइनस अप्लाई होगा तो इफेक्टिवली आप ये कह रहे हैं कि ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड विद द टर्न्स रेशियो यहाँ पे नजर आ जाएगी, इस कैपेसिटेंस के ऊपर वही वाली वोल्टेज आ जाएगी। ये एग्जैक्टली वही वाली गलती है जो कि अगर मैं डायोड को इस तरह कर दूं, ये मेरा बक बूस्ट कन्वर्टर है ना, अगर मैं इस डायोड को उठा दूं तो इफेक्टिवली जैसे मैं इसको ऑन करूंगा ये वोल्टेज यहां कपल हो जाएगी। यही गलती यहां भी हो रही है, ठीक है। एक तो ये खराबी है, खराबी मुझे ये बता रही है कि ये एक वोल्टेज सोर्स और ये एक वोल्टेज सोर्स आपस में जोड़ने की कोशिश हो रही है, विच इज रॉन्ग। ओके, एक तो ये खराबी। दूसरी बात ये कि जिस वक्त तुम इस ट्रांजिस्टर को ऑफ करोगे, ये रास्ता तोड़ दिया करंट का। अब इस पोलैरिटी, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी ने कहीं डंप होना है, कहीं जाना है, वो कोशिश करती है कि इसको कंटिन्यू करे और वो अपनी पोलैरिटी उलटती है ऐसे करके, और जब ये पोलैरिटी उलटती है तो ये भी इस तरफ उलटती है, राइट? एग्री? दोनों तरफ उलटेगी। जब ये उलटती है तो उस वक्त क्या इसको पाथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसको पाथ मिल रहा है, ये तो ट्रांजिस्टर ऑफ है। अब क्या होगा? वेयर विल दिस थिंग गो? करंट जो है आपने उसको ना इधर रास्ता दिया है ना इधर रास्ता दिया है, तो करंट जो है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगा। जब करंट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है फ्लक्स इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगा, तो डी फी अपॉन डी टी कितना बनेगा? इंफिनिटी। तो इंफिनिट वोल्टेज स्पाइक जनरेट होगी और वो इस तरह इस पोलैरिटी में होगी जो इंडिकेटेड है। ये जगह इंफिनिटी को लीड करेगी, पॉजिटिव इंफिनिटी को, एक हाई, बहुत हाई वोल्टेज स्पाइक नजर आएगी आपको। और यही एग्जैक्टली अगर आप स्कोप यहां लगाएंगे तो यू विल सी अ पॉजिटिव इंफिनिटी स्पाइक हियर। ऑफ कोर्स दिस विल डैमेज बोथ आइदर दिस गाय और दिस गाय, जो भी पहले चला गया। अगर इसकी वोल्टेज कम है ब्रेक डाउन, तो ये पहले मर जाएगा, सही है ना? अगर फर्स्ट को ये 200 वोल्ट का, ये 100 वोल्ट का है, तो ये जब स्पाइक जनरेट होगी ना तो ये पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये इफेक्टिवली शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा और ये एनर्जी फिर वो उसके अंदर डंप हो जाएगी, ये बच जाएगा। लेकिन अगर ये 100 का है, ये 200 का है, तो ये पहले उड़ेगा और एनर्जी इधर डंप होगी, सोर्स के अंदर वापस जाएगी। बात समझ आ रही है ना? ओके, ना ये चीज खतरनाक है। इसका एक हाउएवर, ये जो जो पोलैरिटी है ना, जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाली, ये स्टिल यूज होती है। और ये यूज किस तरह होती है? ये इस तरह यूज होती है। लोग फेमिलियर होंगे इस बात से, ये बक का, ये बक कन्वर्टर का लोड साइड है, ऐसे है ना? बक कन्वर्टर की लोड साइड एग्जैक्टली एक एलसी लो पास फिल्टर होता है और एक ये डायोड लगाता है, ठीक। अब देखें क्या हो रहा है। अब हमने ना पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हल किया, हमने ये हल किया है कि जिस वक्त आपने इस ट्रांजिस्टर को ऑन किया था उस वक्त इस जगह पे पॉजिटिव और इस जगह नेगेटिव आया था, तो इस जगह कॉरेस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव और इस जगह नेगेटिव आया था, डॉट के ऊपर पॉजिटिव है दोनों पर। जब ये पॉजिटिव आया तो अब हमने जो पहले प्रॉब्लम था कि ये चीज डायरेक्टली कैपेसिटेंस पे जोड़ रही थी, उसको हमने हल कर दिया और हमने बीच में ये इंडक्टेंस डाल दिया जिसने उसको वो जो प्रॉब्लम होनी थी शॉर्ट सर्किट वाली वोल्टेज सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, वो खत्म हो गई।
अगर मैं इस जगह का पोटेंशियल देखूं, यहाँ पर जो अपीयर हो रहा है, तो जो वोल्टेज मैंने यहाँ से अप्लाई की है ना इसके ऊपर, वो है वी सब एस वोल्टेज। जब ये ऑन है तो इसके ऊपर वी सब एस वोल्टेज अप्लाई की। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर फेस किया ये रेशियो एन वन रेशियो एन टू है, तो यहाँ जो वोल्टेज अपीयर होगी वो होगी एन टू अपॉन एन वन इन टू वी सब एस। ये वोल्टेज आपके इस डायोड के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहां पर अपीयर होगी। अच्छा जिस वक्त ये ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, अब ये एक प्रॉब्लम एरिया है, जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो ये वोल्टेज उल्टी होती है। हमने अभी देखा है वोल्टेज उल्टी क्यों होती है, इसलिए कि इसमें करंट एस्टैब्लिश है, उसने कहीं जाना है। वो जो वोल्टेज उलटती है तो ये वोल्टेज भी उलटती है, ये वोल्टेज उलटती है। अब ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस होता है, लेकिन ये डायोड रास्ते में आता है और ये उसको रास्ता नहीं देता करंट को गुजरने का, ठीक है। हाउएवर मुझे ये पता है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। ये डायोड इस वजह से सिर्फ फॉरवर्ड बायस नहीं होता कि ये वोल्टेज उलट गई है, मसला ये हुआ है कि इस इंडक्टर में कुछ करंट था, वो करंट अब पहले इधर से आ रहा था, अब वो करंट इधर से आता है। तो दिस द प्रेजेंस ऑफ दिस इंडक्टर इंश्योर्स के ये वाला जो डायोड है ना, ये उस रीजन में फॉरवर्ड बायस हो जाए जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, ठीक है। अगर मैं पीछे के मसलों को छोड़ दूं एक मिनट के लिए, तो यहां पर जो वोल्टेज अपीयर होती है ना इस जगह पर, वो ये वाली होती है। इसकी वैल्यू जो है वो एन टू ओवर एन वन इंटू वी सब एस है, और यहां पर ये जीरो वोल्ट है। तो जीरो वोल्ट और एन टू ओवर एन वन वी सब एस के दरमियान ये वोल्टेज चेंज होती है, और इसकी जो ड्यूरेशन है ये डी टाइम्स वी सब एस है, डी टाइम्स टी सब एस, और ये जो है ये वन माइनस डी टाइम्स टी सब एस। ये इस जगह पर आने वाला वोल्टेज है, ये आपने देखा ये एग्जैक्टली वही चीज है जो बक कन्वर्टर की मोड था, और हमें पता है कि इसकी जो आउटपुट है जो एक्चुअली कैपेसिटेंस पे अपीयर होती है वो इसकी एवरेज वैल्यू होती है। तो जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वी आउट की जो एवरेज वैल्यू है वो हो जाएगी एन टू अपॉन एन वन वी सब एस इनटू डी डी टी एस करके अपॉन टी एस नीचे वाला कैंसिल कर देता है, तो वाले को सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस, दिस इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर। मसला सिर्फ रह गया है कि जो वोल्टेज, जब ये वोल्टेज उलटती है तो एक हाई वोल्टेज स्पाइक आती है, उस हाई वोल्टेज स्पाइक का मैं क्या करूं। उस हाई वोल्टेज स्पाइक का वो आपने पास ऑन कर दिया, तो इनकी अटेंडेंस हियर ही है, जरा लगाना जल्दी से। ये हाई वोल्टेज स्पाइक अभी भी आ रही है, ये हाई वोल्टेज स्पाइक का हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसका हम मसले का हल कर सकते हैं जी। डायोड सॉरी सजेस्ट करें कैसे, यहां पे इस तरह करके डायोड लगा दूं, एक ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इस तरह डायोड लगा देता हूं तो होता ही है कि जब ये पॉजिटिव होना होने की कोशिश करता है, सही है ना, जिस वक्त ये पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इसमें से शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या ये सेफ है, क्या इसमें कोई खराबी नजर आती है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर आता है। सुना नहीं, बताइए कोई मसला नजर आता। तकरीबन बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब एनर्जी, सपोज करें कि इसके अंदर ये कोई करंट था, ये मेरा इस जगह का करंट था, ठीक है, ये तो पक्की बात है ना, जिस वक्त ये ऑन होता है उस वक्त ये करंट बढ़ रहा होता है,
अब मैं इस स्टेज के ऊपर बैठा हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, और ये मैंने डायोड लगा दिया। जब मैं इसको ऑफ करूंगा ट्रांजिस्टर को, तो डायोड जो इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज बनेगा वो कितना होगा? 0.7 वोल्ट। अगर मैं इंडक्टर का वोल्टेज बनाऊं, तो जो पहला केस था वो इंडक्टर का वोल्टेज यहां तक, इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज V सब S था, यही था ना, अप्लाइड वोल्टेज V सब S था, और यहां पे ये 0.7 वोल्ट के ऊपर चला गया। कोई खराबी नहीं आ रही? इंडक्टर के अंदर अगर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन करना है, तो इसका जो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर होना चाहिए। अगर ये 0.7 वोल्ट है और दूसरी तरफ 100 वोल्ट है, तो मुझे इधर कितनी देर के लिए उसको इस तरह रखना पड़ेगा? बहुत ज्यादा टाइम के लिए मुझे उसको उस तरह रखना पड़ेगा, ताकि उसकी एनर्जी जीरो पे वापस आ सके। समझ में आई है बात? इधर इन अदर वर्ड्स, यहां से जो करंट का नीचे का स्लोप है ना, ये वाला, ये जो स्लोप है, ये हो गया इस वक्त 0.7 डिवाइडेड बाई एल। नाउ दिस इज एन एक्सट्रीमली लो स्लोप। इसका जो ये स्लोप है ना, ये बहुत ही थोड़ा है। मुझे इसको तेज चाहिए, मुझे ये तेज चाहिए ताकि मैं वापस आ सकूं एनर्जी के अंदर, अपनी एनर्जी को रीसेट कर सकूं। जो मैंने इसमें एनर्जी रखी हुई है उसको मैं खत्म कर सकूं। इन अदर वर्ड्स, आई नीड टू सम हाउ इंक्रीज दिस वोल्टेज दैट आई एम अप्लाइंग ऑन द रिवर्स साइड। उसके कई तरीके हैं, जो एक से ज्यादा तरीके हैं। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है? सो हम ये करते हैं, एक सादा तरीका हम इस्तेमाल ये करते हैं कि हम एक टर्शियरी वाइंडिंग ऐड कर देते हैं। हम इसी के साथ कपल्ड एक और वाइंडिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है? और अब देखें, जब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो मैं चाहता हूं उस वक्त ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ये चीज मैं चाहता हूं। इसका मतलब मुझे इसका डॉट नीचे लगाना पड़ेगा। कैसे ना, ये कैसे काम कर रहा है कि जिस वक्त आपने इस ट्रांजिस्टर को ऑन किया था, उस वक्त यहां पॉजिटिव बना था और यहां नेगेटिव, उस वक्त यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव बना था। ये वाइंडिंग, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग एक ही कोर के ऊपर वाउंड हुए थे, तीन कॉइल, ठीक है? जब आपने इसको ऑफ किया तो ये पोलैरिटी बदली, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब ये कितना पॉजिटिव हुआ ये देखें, इसने ना करंट को वापस पुश करना है यहीं पे इधर सोर्स, ये भी सब है सोर्स लगा हुआ है, इसके अंदर डंप करता है अपनी एनर्जी को वापस। जितनी एनर्जी इसने कोर के अंदर स्टोर की थी वो सारी की सारी वापस जाती है। उस वक्त इस वोल्टेज, इसके ऊपर जो अप्लाइड वोल्टेज है इंडक्टर के ऊपर, इस सेकेंडरी या इसको हम टर्शियरी इन्वर्टर कहते हैं, टर्शियरी वाइंडिंग, TERTIARY, टर्शियरी वाइंडिंग। ये जो टर्शियरी वाइंडिंग है, इसके ऊपर वोल्टेज जो है वो आपकी V सब S है, सोर्स वोल्टेज। अब क्योंकि ये हायर वोल्टेज है, इसलिए आपको ये स्लोप जो है ये बड़ा मिल जाता है। V सब S से आ रहा है अब ये स्लोप, ये 0.7 वाला नहीं रहा। अब आपने जो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया वो बड़ा वोल्टेज अप्लाई किया। टू बी मोर एग्जैक्ट हम ये देख सकते हैं, फिर इसका ये N3 टर्न्स हूं, ठीक है? तो जो वोल्टेज आपने इस जगह पे अप्लाई किया, वो जब मैं इसके ऊपर ट्रांसलेट करता हूं इंडक्टर के ऊपर, तो ये हो जाती है N3/N1। जी जी, ऑफ टाइम क्या, जिस वक्त ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ है उस वक्त इसमें एक करंट एस्टैब्लिश था, ठीक है ना?
ये करंट अपनी पोलैरिटी, ये करंट कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, इंडक्टर का करंट है वो, इस इंडक्टर पे जो पोलैरिटी बनाता है वो ये वाली है, प्लस इधर माइनस इधर, डॉट नेगेटिव हो जाता है। अब ये वाला डॉट भी नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला डॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वोल्टेजेस बनती हैं वो हमें यहाँ नजर आ रही हैं, वो खैर अभी आपको बिल्कुल शायद क्लियर नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। जब ये पोलैरिटीज बदलती हैं तो ये इस कॉइल को सिर्फ आप देखिए, इस कॉइल का मुझे पता है, इस कॉइल का मुझे पता है ये दोनों करंट नहीं गुजार सकते, इस पोलैरिटी के साथ इधर से गुजर नहीं सकती करंट, इस पोलैरिटी के साथ ये ऑफ हुआ हुआ है इसमें से करंट नहीं गुजर सकती। इसको देखें तो इस पोलैरिटी के साथ जो ये इंडिकेटेड है प्लस माइनस, ये एक पाथ बन रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्शियरी बाइंडिंग है ये अलाउ, इसको हमने ऐसा रास्ता प्रोवाइड कर दिया है जिसके थ्रू ये अपनी स्टोर्ड एनर्जी को डंप कर सके अपने सोर्स के अंदर वापस, जहां से वो आई थी, ठीक है। बात समझ में आई तुम्हें? तो ये ऑफ टाइम में हो रहा है, ठीक है। टाइम क्या हो गया यार, मुझे लगता है ये क्रिटिकल हो जाएगा। इफेक्टिवली हमने अचीव ये किया है कि हमने इसको, हमने इसका जो स्लोप है जिस स्टेट के ऊपर हम इसको डिसिपेट कर रहे हैं, एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर रहे बल्कि हम इसमें से एनर्जी वापस ले जा रहे हैं इनटू द सोर्स, उस रेट को हमने बढ़ा लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं डायोड लगा देता वो भी काम करता था, लेकिन डायोड मुझे इतनी ज्यादा देर के लिए वेट करना पड़ता था कि वो मेरे लिए यूजफुल नहीं था। अगर मैं डायोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस डाल दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं यहां से एक डायोड लगाता हूं ऐसे और इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस डाल देता हूं, क्या होगा? इससे भी रिलेटिवली क्विकली डंप हो जाएगी एनर्जी, क्योंकि ये वोल्टेज बढ़ जाती है ना, जब करंट जो है वो इसमें ट्रांसफर होती है तो वोल्टेज बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से वो एनर्जी रिलेटिवली क्विकली डाउन जाती है। लेकिन आपको पता है L अपॉन R एक टाइम कांस्टेंट होता है, 5 टाइम्स L अपॉन R के ऊपर तकरीबन एनर्जी जीरो को टच करती है जाके। तो आप उससे देख सकते हो कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस डालोगे उतनी क्विकली ये एनर्जी डंप डाउन करेगी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि भैया हीट के अंदर L अपॉन R, सॉरी जितनी एनर्जी जा रही है वो रेजिस्टेंस में जा रही है, हीट में जा रही है, जबकि हमने अभी ये जो काम किया है इसकी वजह से जो जितनी स्टोर्ड एनर्जी थी वो अब कहां जा रही है? सोर्स में वापस जा रही है। सोर्स में वापस जाने की वजह से क्या फायदा है? वो रीयूज हो जाती है, वो आपकी एनर्जी बैक एंड फोर्थ ट्रेवल कर रही है। अच्छा, बिफोर आई लीव आई वुड लाइक टू नेम दिस कन्वर्टर, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कन्वर्टर। फॉरवर्ड कन्वर्टर ये वाला है, और ये फॉरवर्ड कन्वर्टर जो है वो बेसिकली एक बक कन्वर्टर होता है विद एन आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, ये इसका फायदा होता है, ओके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस किसकी रेडी हो? जी बेटा, ये बीजेटी का कलेक्टर है ना, डायोड किस तरफ लगाऊं? और यहां पर ऐसे नहीं, ऑपोजिट तो वो तो हमेशा ही शॉर्टेड रहेगा ना, वो तो हमेशा ही शॉर्टेड रहेगा, तो दूसरी तरफ लगाने का फायदा कोई नहीं है ना, बताइए कैसे? ये करंट कब गुजरेगी इसमें से? नेवर। आप देख लें इसमें से करंट नहीं गुजरेगी, गुजारिए ना, कैसे गुजरेगी? जी बच्चों, अटेंडेंस, तुमने क्या रिसर्च शुरू की है?